हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तुषार गैलरी इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक टॉपिक पे बना रहा हूँ कि जो पिक्सल लैब होता है मोबाइल में, और पिक्सल लैब के जो फॉन्ट्स है मराठी फॉन्ट्स, आपको मैं फ्री देने वाला हूँ। मराठी फॉन्ट्स आपको मैं फ्री फ्री देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप उधर से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली पिक्सल लैब में ऐड कर सकती हो। तो ऐड कैसे करें वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐड यूनिकोड पैड होता है, वो यूनिकोड पैड भी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू वाला बेल आइकोन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं। पहले आप जाएंगे तो देख लो, डबल क्लिक किया मैंने, ये यूनिकोड आता है। मैंने डायरेक्टली कुछ भी टाइप किया ना इधर, तो मराठी में टाइप किया कुछ भी। मैं टाइप करता हूँ भारतीय, तो मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा बड़ा किया मैंने। तो इसको इसके ऊपर आप जो यूनिकोड में देने, मतलब जो भी मैं आपको देने वाला हूँ फॉन्ट्स, वो मराठी फॉन्ट्स आप जो यूज़ करेंगे, ये देखो ये मराठी फॉन्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे हैं, आपको रिसेंट में दिखा रहा हूँ, जो मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो अप्लाई करोगे ना, अप्लाई नहीं होगा, ये देखिए नहीं अप्लाई होगा। किस लिए? इसको यूनिकोड की ज़रूरत है, यूनिकोड लगने वाला है इसको। तो मैं क्या करूँगा, यूनिकोड की जो एप्लीकेशन है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको बैक जाता हूँ, यूनिकोड ए देखिए, यूनिकोड यूनिकोड पैड ओपन करता हूँ, रोबोट का सिंबल है, तो ऐसा यूनिकोड ओपन होगा। तो ऐसा यूनिकोड ओपन होने के बाद अब लिखता हूँ मैं भारतीय, तो मैं भारतीय लिखता हूँ, भारतीय भारतीय ये देखिए मैंने भारतीय लिखा। तो इधर का कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा, इस कॉपी के ऑप्शन पर आप क्लिक करें, कॉपी करें। कॉपी हो जाने पर आपको जाना है फिर से पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जाने के बाद भारतीय नाम पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद भारतीय नाम ये जो है वो कट कर देना है। तो इधर देखो, उधर कॉपी किया था तो इधर यूनिकोड आ गया है। तो इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, इसको ओके कर दूँगा। ये देखिए, ये नाम चेंज हो गया। मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया था उस पहले भारतीय नाम पे, वो फॉन्ट इधर अप्लाई हो गया है। तो इधर अप्लाई होने के बाद और एक फॉन्ट्स अप्लाई कर देखते हैं। तो रिसेंट में जाऊँगा, मतलब मेरे रिसेंट मैंने जो यूज़ किया है वो रिसेंट में जाऊँगा। माय फॉन्ट में जाना है आपको, ओके। तो देखो, मैं अप्लाई करूँगा। ये देखो दोस्तों, ये देखो अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो ऐसे अप्लाई आप कर सकते हो। तो मैं करूँगा अप्लाई, ओके, मैंने किया अप्लाई। तो दोस्तों, अप्लाई करने के बाद ये देखिए, भारतीय नाम जो है वो शानदार तरीके से तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मैंने डाल दिए, और हिंदी जो फॉन्ट्स है, कृतिदेव जो फॉन्ट्स है, वो फॉन्ट्स में मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं फॉन्ट्स और जो मटेरियल है वो देता रहता हूँ। मोबाइल के रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कुछ भी मैं मटेरियल देता रहता हूँ और कुछ भी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू वाला बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, अभी यूनिकोड का जो पैड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिया है, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। पिक्सल लैब की भी आपको लिंक दे दूंगा मैं, मतलब दी होंगी, उधर से आप पिक्सल लैब भी डाउनलोड कर सकते हो। इधर पिक्सल लैब में आपको बैनर बनाना नहीं आता तो बैनर बनाना भी मैं सिखा दूँगा, वीडियो बनाऊँगा स्पेशल उसके लिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो बनाओ या ना बनाओ, मोबाइल में बैनर कैसे बनता है पिक्सल लैब में, वो भी एच डी बैनर।
तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल ये देखो दोस्तों मेरे पास कितने सारे फॉन्ट्स सिग्नेचर फॉन्ट्स में आपको दे दूंगा मैं। तो दोस्तों देखिए ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया फॉन्ट्स है मेरे पास। तो दोस्तों मैंने जो बताया था आपको कि पिक्सल लैब में कैसे फॉन्ट्स कैसे ऐड करना है डाउनलोड करके, तो मैं देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको नीचे, पांच ऑप्शन दिख रहे होंगे, उसमें से ए वाला ऑप्शन जो है कैपिटल ए में जाना है। इसके बाद आपको आगे जाना है। इसमें फॉन्ट्स नाम का ए बी करके, ये फॉन्ट्स नाम का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर मैंने क्लिक कर दिया है दोस्तों। क्लिक करने के बाद मुझे जाना है माय फॉन्ट्स में। जाने के बाद आपको इधर प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, दो ऑप्शन है प्लस के, उसमें से टी वाला ऑप्शन में नहीं जाना है आपको, और जो फाइल वाले ऑप्शन है उसमें जाना है। मुझे इसमें क्लिक किया तो आपने मोबाइल में डाउनलोड फाइल किस फाइल में डाउनलोड होती है, और डाउनलोड फाइल में जाना है, उस फाइल में जाना है। जाने के बाद आपको इधर वो नाम देखना है कि नाम कौन सा है। ये देखिए मेरा नाम आ गया है, तो इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया दोस्तों। क्लिक करने के बाद इधर ऐड किया, तो मैंने नाम दूसरा दिया है आपको, तो मेरे पास है दूसरा फॉन्ट से। फॉन्ट्स में आपको सिर्फ बताने वाला हूँ, ये ओपन हो गई दोस्तों। क्लिक करने के बाद ओपन होने के बाद इतने सारे फॉन्ट्स हैं मेरे पास, इतने सारे फॉन्ट्स के ऐड करने के लिए आपको ऐड डायरेक्टरी पर क्लिक करना है। ऐड डायरेक्टरी पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली उधर फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो, मतलब ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ऐड होने के बाद तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास पहले ही फॉन्ट्स ऐड हो चुके हैं, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, कुछ सिर्फ बताने के लिए मैंने वो किया है। तो दोस्तों ऐसे फॉन्ट्स ऐड करने के बाद आपको अप्लाई करना है, अपने नेम बनाने चाहते हो, बैनर बनाना चाहते हो, उसके लिए टेक्स्ट बनाना चाहते हो, टेक्स्ट लिखना चाहते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी तरह के क्रिएटिव फॉन्ट्स है। तो ठीक है दोस्तों, इसी बात पे वीडियो स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाला बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कर दें। तो इसी के साथ वीडियो स्टॉप करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तुषार गैलरी इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का वीडियो एक टॉपिक पे बना रहा हूँ कि जो पिक्सल लैब होता है मोबाइल में, और पिक्सल लैब के जो फॉन्ट्स है मराठी फॉन्ट्स आपको मैं फ्री देने वाला हूँ, मराठी फॉन्ट्स आपको मैं फ्री देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप उधर से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली पिक्सल लैब में कर सकती हो। तो ऐड कैसे करें वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐड यूनिकोड पैड होता है, वो यूनिकोड पैड भी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू वाला बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों सो स्टार्ट करते हैं। पहले आप जाएंगे तो देख लो, डबल क्लिक किया मैंने, ये यूनिकोड आता है, मैंने डायरेक्टली कुछ भी टाइप किया ना इधर, तो मराठी में टाइप किया कुछ भी। मैं टाइप करता हूँ भारतीय, तो मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा बड़ा किया मैंने, तो इसके ऊपर आप जो यूनिकोड में देने, मतलब जो भी मैं आपको देने वाला हूँ फॉन्ट्स, वो मराठी फॉन्ट्स आप जो यूज़ करेंगे, ये देखो ये मराठी फॉन्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत सारे हैं, आपको रिसेंट में दिखा रहा हूँ, जो मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो अप्लाई करोगे ना अप्लाई नहीं होगा, ये देखिए नहीं अप्लाई होगा, किस लिए, इसको यूनिकोड की ज़रूरत है, यूनिकोड लगने वाला है इसको। तो मैं क्या करूँगा, यूनिकोड की जो एप्लीकेशन है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको बैक जाता हूँ,
यूनिकोड, ए देखिए यूनिकोड, यूनिकोड पैड ओपन करता हूँ, रोबोट का सिंबल है तो ऐसा यूनिकोड ओपन होगा। तो ऐसा यूनिकोड ओपन होने के बाद अब लिखता हूँ मैं भारतीय, तो मैं भारतीय लिखता हूँ भारतीय, भारतीय, ये देखिए मैंने भारतीय लिखा। तो इधर का कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा, इस कॉपी के ऑप्शन पर आप क्लिक करें, कॉपी करें। कॉपी हो जाने पर आपको जाना है फिर से पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जाने के बाद भारतीय नाम पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद भारतीय नाम ये जो है वो कट कर देना है। तो इधर देखो, उधर कॉपी किया था तो इधर यूनिकोड आ गया है, तो इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसको ओके करूँगा, ओके कर दूँगा। ये देखिए ये नाम चेंज हो गया, मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया था उस पहले भारतीय नाम पे वो फॉन्ट इधर अप्लाई हो गया है। तो इधर अप्लाई होने के बाद और एक फॉन्ट्स अप्लाई कर देखते हैं, तो रिसेंट में जाऊँगा, मतलब मेरे रिसेंट मैंने जो यूज़ किया है वो रिसेंट में जाऊँगा, माय फॉन्ट में जाना है आपको। ओके तो देखो मैं अप्लाई करूँगा, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये देखो अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो ऐसे अप्लाई आप कर सकते हो। तो मैं करूँगा अप्लाई, ओके मैंने किया अप्लाई। तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद ये देखिए भारतीय नाम जो है वो शानदार तरीके से तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसी के तरीके से अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मैंने डाल दिए है, और हिंदी जो फॉन्ट्स है कृतिदेव जो फॉन्ट्स है वो फॉन्ट्स में मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप। तो दोस्तों इसी तरह से मैं फॉन्ट्स और जो मटेरियल है वो देता रहता हूँ, मोबाइल के रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कुछ भी मैं मटेरियल देता रहता हूँ और कुछ भी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजूला बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों अभी यूनिकोड का जो पैड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिया है, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। पिक्सल लैब की भी आपको लिंक दे दूंगा मैं, मतलब दी होंगी, उधर से आप पिक्सल लैब भी डाउनलोड कर सकते हो। इधर पिक्सल लैब में आपको बैनर बनाना नहीं आता तो बैनर बनाना भी मैं सिखा दूंगा, वीडियो बनाऊंगा स्पेशल उसके लिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, मोबाइल में बैनर कैसे बनता है पिक्सल लैब में, वो भी HD बैनर। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल ये देखो दोस्तों मेरे पास कितने सारे फॉन्ट्स सिग्नेचर फॉन्ट्स में आपको दे दूंगा मैं। तो दोस्तों देखिए ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया फॉन्ट्स है मेरे पास। तो दोस्तों मैंने जो बताया था आपको कि पिक्सल लैब में कैसे फॉन्ट्स कैसे ऐड करना है डाउनलोड करके, तो मैं देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको नीचे, पांच ऑप्शन दिख रहे होंगे, उसमें से ए वाला ऑप्शन जो है कैपिटल ए में जाना है। इसके बाद आपको आगे जाना है, इसमें फॉन्ट्स नाम का ए बी करके ये फॉन्ट्स नाम का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर मैंने क्लिक कर दिया है दोस्तों। क्लिक करने के बाद मुझे जाना है माय फॉन्ट्स में। जाने के बाद आपको इधर प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, दो ऑप्शन है प्लस के, उसमें से टी वाला ऑप्शन में नहीं जाना है आपको, और जो फाइल वाले ऑप्शन है उसमें जाना है। मुझे इसमें क्लिक किया तो आपने मोबाइल में डाउनलोड फाइल किस फाइल में डाउनलोड होती है, और डाउनलोड फाइल में जाना है, उस फाइल में जाना है। जाने के बाद आपको इधर वो नाम देखना है कि नाम कौन सा है। ये देखिए मेरा नाम आ गया है, तो इस पर मैंने क्लिक किया दोस्तों। क्लिक करने के बाद इधर ऐड किया, तो मैंने नाम दूसरा दिया है आपको, तो मैं मेरे पास है दूसरा फॉन्ट से, फॉन्ट्स में आपको सिर्फ बताने वाला हूँ। ये ओपन हो गई दोस्तों, क्लिक करने के बाद ओपन होने के बाद इतने सारे फॉन्ट्स हैं मेरे पास। इतने सारे फॉन्ट्स के ऐड करने के लिए आपको ऐड डायरेक्टरी पर क्लिक करना है।
ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली उधर फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो, मतलब ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ऐड होने के बाद तो दोस्तों ऐड डायरेक्टली तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास पहले ही फॉन्ट्स ऐड हो चुके हैं, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, कुछ सिर्फ बताने के लिए मैंने वो किया है। तो दोस्तों ऐसे फॉन्ट्स ऐड करने के बाद आपको अप्लाई करना है, अपने नेम बनाने चाहते हो, बैनर बनाना चाहते हो, उसके लिए टेक्स्ट बनाना चाहते हो, टेक्स्ट लिखना चाहते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी तरह के क्रिएटिव फॉन्ट्स है। तो ठीक है दोस्तों, इसी बात पे वीडियो स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाला बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कर दें। तो इसी के साथ वीडियो स्टॉप करते हैं।